सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। कल प्रवचन में हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है और इस बात के ऊपर हमने चर्चा विचारना की थी कि एक पानी को बर्फ, पानी को फ्रीज में रखो तो वो फ्रीज में जाने के बाद पानी बर्फ हो जाता है और वही बर्फ को वापस फ्रीज से बाहर निकालो तो वही बर्फ वापस पानी हो जाता है। ये एक फिजिकल चेंज, थोड़े समय के लिए परिवर्तन, जिसको हम टेम्पररी चेंज कहते हैं। और वही जब आप देखो गाय घास खाती है, घास का दूध, दूध से दही, दही से छाछ, छाछ से मक्खन और मक्खन से घी, और एक बार घी बनने के बाद घी कभी वापस मक्खन नहीं बनता है, मक्खन कभी छाछ नहीं, छाछ कभी दही नहीं, दही कभी दूध नहीं, दूध कभी घास नहीं। तो ये जो केमिकल चेंज है, एक बार जो परिवर्तन हुआ सो हुआ, और आज हम इसी परिवर्तन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। कि हमने आज तक जो भी हमने धर्म आराधना की साधना की, तब जब जो भी कुछ किया, यही एक भावना के साथ कि मेरा स्वभाव चेंज हो जाए, मेरे विचार चेंज हो जाए, मेरा आचार परिवर्तित हो जाए, मैं जहां था पहले मैं जैसा था उसमें और आज में मेरे में बदलाव आना जरूरी है। लेकिन वो बदलाव कैसा, पॉजिटिवली बदलाव होना चाहिए था। कहीं ना कहीं हम जो थे उसमें से हमें आगे बढ़ना था, लेकिन हमारा बदलाव तो ये हुआ कि पहले हम शांत थे, आज ज्यादा क्रोधिष्ट हो चुके हैं। पहले हम निर्लोभी थे, आज हम लोभी बन चुके हैं। पहले हमें इतनी विषय कषाय वासना की भूख नहीं थी, आज हम और ज्यादा भूखे बन चुके हैं। जब हम पशु के भाव में थे ना, पशु को देखो आप, उसे सिर्फ पेट भरने का दुख होता है, वो पूरे दिन चिंतित होता है कहां से मुझे खाना मिलेगा, कहां से मुझे पानी मिलेगा, बस इसी चिंता में और चिंता में सुबह से लगाकर शाम तक, रात तक वो भटकते रहता है, सिर्फ वो आहार की शोध में, पेट भरने के लिए, और वो यहां वहां भटकते रहता है। इंसान का ऐसा नहीं होता है। इंसान को सिर्फ पेट नहीं भरना है, उसे पेट के साथ उसे पटारे भी भरना है, उसे खटारे भी भरना है, उसे अपना घर भी भरना है, बंगला भी भरना है, उसे बैंक बैलेंस भी बढ़ानी है। चाहिए कितना इंसान को जीने के लिए, दो रोटी, दो टाइम का, दो टाइम की रोटी चाहिए, पहनने के लिए दो जोड़ी कपड़े चाहिए और एक छत चाहिए कि जिससे उसे आश्रय मिले, इससे ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं होती है। चाहे फिर आप कितने भी बड़े बंगले में क्यों ना रहते हो, आखिर इंसान को सिर्फ और सिर्फ 6 फुट की जमीन ही उसकी होती है और उस 6 फुट में उसको अपना अंतिम, जो भी एक मृत्यु के बाद वही जमीन पे उसमें अंदर दबना होता है या समा जाना होता है या वही उसमें जलना होता है। इसलिए क्यों हम इतना पाप करें, क्यों, किसके लिए हमको इतना पाप करना है? आपको पता है हम बचपन से कहते आए हैं, जब से हमने नवकार हमने सुना और नवकार हमने पढ़ा, नवकार हमने कंठस्थ किया, तब से हम प्रतिदिन कितनी बार, आज तक तो लाखों बार हम बोल चुके हैं, सव पावप पनासन, सव पावप पनासनो, कि मेरे सभी पापों का नाश हो। हम बचपन से ये सीखते आए, बोलते आए, समझते आए कि मेरे सभी पापों का नाश हो, नाश हो, नाश हो, और ऐसे 18 प्रकार के जो पापस्थानक बताए गए हैं, पहले प्राणाति पात विजय मृषा वात्रीय अदत्त दान चौथे मैथुन पांचवें परिग्रह छठे क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह व्यक्र पैशून्य रति रति पर परिवार माय मुषावाद मिथ्यात्व शल्य, ये जो 18 प्रकार के जो पापस्थानक बताए गए हैं, इन सभी पापों से हमें अपने आप को बचाना जरूरी है अगर हमें सुखी बनना है। तो एक तरफ हम आकांक्षा रखते हैं कि मुझे सुखी बनना है, मुझे सुख चाहिए, और दूसरी तरफ देखो हमारा वो व्यवहार ही नहीं है। जाऊ मारे पूर्व माने पश्चिम नोचे पंथ, जाना है पूरब में और हम चल रहे पश्चिम की ओर,
कैसे पूरब में पहुंच पाएंगे? अगर हमें पूरब में जाना है तो हमें पश्चिम की ओर नहीं, हमें पूरब की ओर ही चलना होगा। अगर हमें सुखी बनना है तो हमें सुख का मार्ग ढूंढना होगा। हम करते तो पाप है और हम चाहते तो सुख है, कैसे ये कॉन्ट्रास्ट नहीं हो सकता है? कि अगर आप अगर इतना पाप कर रहे हैं और फिर आप बोले कि मुझे सुखी बनना है, इम्पॉसिबल है। और अगर आपने बहुत धर्म किया है, आपने बहुत पुण्य किया है, तो आपको दुनिया में कोई दुखी बना ही नहीं सकता है। आप कहेंगे गुरुदेव ऐसा थोड़ी ना होता है, हमने कितने सारे लोगों को देखा है कि जो जिंदगी में कोई कुछ धर्म का काम करते ही नहीं है, हमेशा इतना पाप करते रहते हैं, पूरे दिन देखो आज उनकी पूरी जिंदगी पाप में डूबी हुई है। और ऐसी स्थिति में भी आज वो लोग बहुत अमीर है, वो पैसे वाले हैं, उनका नाम है। जो लोग इतना गलत करते हैं, जो अनीति करते हैं, प्रपंच करते हैं, जो झूठे हैं, और ऐसे लोग आज दुनिया में बहुत लाखों की संख्या में हम देख रहे, वो सब सुखी है। और जो नीति से चलता है, जिसके जीवन में धर्म है, धर्म की आराधना है, देव गुरु के प्रति समर्पण है, और पुण्य श्रावक की तरफ खाने के भी उनके फापे है, तो इस हालत में हम क्या समझे कि धर्म से आप बोलते सुख मिलता है और पाप से दुख मिलता है? तो हमने तो ये देखा है कि पापी होते हुए भी वो सुखी है और वो धर्मी होते हुए भी वो दुखी है, तो फिर ये क्यों, कैसे हुआ ये? हाँ, इसका जवाब है कि पूर्व भव में उस आत्मा ने कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा और इसीलिए उसको ये अच्छा शरीर मिला, मनुष्य का अवतार मिला, उसे धन दौलत रूप सब कुछ मिला, लेकिन इस भव के अंदर वो जो कुछ गलत कर रहा है, इसका फल भी उसे अवश्य मिलेगा। गए जन्म में जो धर्मी, आज जो धर्मी है, गए जन्म में हो सकता है कि वो उसने कोई ना कोई गलत काम किए होंगे, गलत सोचा होगा, इसलिए शायद उसे आज जो सुख और सुख के साधन है वो उसे प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन आज जो धर्म जो कर रहे हैं, उसे उसका फल पुण्य और पुण्य का फल सुख अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल। पुण्य और पाप ये दोनों के लिए, यहाँ पर देखो भगवान के घर में देर है, अंधेर कभी नहीं, ये बात समझ के रखना। ये जो पुण्य पाप, ये जो पूरा पुण्य पाप का जो पूरा फॉर्मूला है ना, इसके एक बार आप समझ गए ना, तो आपके सब, आपके जितने भी क्वेश्चंस है, सबके जवाब आपको स्वयं को मिल जाएंगे। आज अगर हमने जो भी धर्म किया है, वो धर्म का फल भी कभी नहीं जाता है, और आज हमने जो पाप किया है, उस पाप का फल भी कभी नहीं जाता है। पाप किया है तो भुगतना पड़ेगा, धर्म किया है तो भी उसका अच्छा फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। यानी आप जैसे बोएंगे वैसे फसल उगेगी। अगर आपने कांटे बोए, फिर आप कहेंगे कि मुझे आम चाहिए, आम कहां से मिलेगा? और अगर आपने आम बोए तो आपको आम ही मिलेगा, कांटे आपको कभी मिल ही नहीं सकते हैं। सीधा फॉर्मूला है ये, सीधी सीधी बात है कि आपने जो सोचा, जो आप बोले, जो आपने किया, मन वचन काया, मन से हम सोचते हैं, वचन से हम, वाणी से हम बोलते हैं, काया से हम प्रवृत्ति करते हैं, तो ये मन वचन और काया जो होती है, ये तीनों में अगर आपने अच्छे विचार किए, आपकी वाणी भी एकदम सही है, आप मीठा बोलते हैं, आप सत्य वचन बोलते हैं, और काया से भी आप सत्प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो इन तीनों का फल आपको एकदम पुण्य, और पुण्य का फल है सुख, सीधी बात है। और अगर मन से आपने अशुभ सोचा है, वाणी से आपने दुर्भाषण किया है, और काया से आपने दुराचार का सेवन किया है, तो ये मन वचन काया अगर अशुभ में अंदर चली गई है, तो उसका फल भी अशुभ मिलेगा, और अशुभ का फल ही है दुख। और शुभ प्रवृत्ति, शुभ वचन, शुभ विचार, इन तीनों का फल है सुख, क्योंकि आपने सब शुभ किया है तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ से अशुभ फल मिलेगा, सीधी बात है। आज हम सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं? इस मन वचन और काया में, तीनों में सबसे ज्यादा हम शुभ में हमारा यह मन वचन काया प्रवृत्तिशील है या अशुभ के अंदर प्रवृत्तिशील है, ये हमको स्वयं को पता है। निमित्तवासी आत्मा, तो कोई भी निमित्त मिलते ही हमारे मन में जो विचार 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 जब चालू हो जाते हैं, और उस समय हमारे मन में शुभ विचार ज्यादा आते हैं या अशुभ विचार ज्यादा आते हैं। कभी किसी ने कुछ कुछ बोल भी दिया ना, और तभी उस समय तुरंत हमारे, उसने अगर दो सुनाया तो हम उसको कितना सुनाएंगे? हम उसको चार सुनाएंगे, टिट फॉर टैट, शठम प्रति साठ्यम, हम बदला ले लेते हैं या मन में रखते हैं, आने दो मौका, मौके पे मैं भी चौका लगाऊंगा, उसको भी मैं सबक सिखाऊंगा। हमारे मन में या फिर हमारे वाणी में ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं। देखो ये पूरा महाभारत का सर्जन क्यों हुआ, सिर्फ एक द्रौपदी ने सिर्फ इतना ही कहा दुर्योधन से कि अंधे के बेटे भी अंधे होते हैं, अंधे के पुत्र भी अंधे होते हैं, और इसमें तो पूरा महाभारत खड़ा हो गया।
तो ऐसा तो हम कितना दुर्भाषण करते हैं, हम कितना दुश्चिंतन करते हैं, हम कितना दुराचार का सेवन कर रहे हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद भी एक ट्रेजडी ये है, हम अपने आप को धर्मी समझ कर बैठे हैं, हम अपने आप को पुण्यशाली भाग्यशाली समझ कर बैठे हैं। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हमें कोई आदर सत्कार रिस्पेक्ट कोई समाज के अंदर देता है, कोई हमें आगे बुलाता है, और तब हमें बड़ी खुशी होती है। वो एक भगत की बात मुझे याद आ रही है, वो भगत मंदिर से जैसे बाहर निकला और दूसरे भगत ने उससे आवाज लगाई और कहा, ओ पापी जरा इधर आइए ना। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया, ए भाई तुम मुझे किसको बुला रहे, मैं पापी हूं। बोला हाँ आप पापी हो। अरे कैसे तूने मुझे पापी कहा, तुझे पता नहीं मैं कितना धर्मिष्ठ हूं, मैं कितने आराम में साधना करता हूं, मैं रोज दो टाइम प्रतिक्रमण करता हूं, 4 सामयिक करता हूं, मैं जिनवाणी का श्रवण करता हूं, मैं रोज 7 पूजा बनाता हूं, मैं रोज एकासना से नीचे करता ही नहीं हूं, एकासना अम्बिल उपवास आदि मेरी तपस्या होती है, मैं पर्वत तिथि में पौषध के धर्म की आराधना करना हूं, और तू मुझे पापी कह रहे। अरे मैं जितना धर्म करता हूं ना, शायद हमारे पूरे संघ में कोई नहीं करता होगा। और जैसे ये बात सुनी तो उस दूसरे भगत ने कहा कि भाई मैं थोड़ी ना तुम्हें पापी कह रहा हूं, बोला अभी तुमने तो मुझे बुलाया, वो पापी इधर आओ। अरे वो तो तुम खुद स्वयं बोल रहे थे भगवान के सामने, मुझे पापी ने तार हो प्रभु जी, मुझे पापी ने तार। अभी आप तो भगवान के सामने गा रहे थे कि भगवान मेरे जैसे पापी को आप तार दो करके। अरे वो तो स्तवन में लिखा है, मैं थोड़ी ना पापी हूं। क्या बात है, हमें पता है कि हम कितने पापिष्ठ हैं। पाप करना सबको अच्छा लगता है, सभी को पाप करना अच्छा लगता है, सभी को पाप के साधन अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर भी एक आश्चर्य देखो कि पापी के रूप में जाहिर होना किसी को अच्छा नहीं लगता है। मेरा पाप कोई देख लेगा, मेरा पाप किसी को पता चलेगा तो मेरा क्या होगा। और इसीलिए इंसान अपनी शातिरता का उपयोग चोरनी आंख 4 MKY से, कि चोर की आंखें 4 होती है, वो बहुत इधर उधर नजर घुमाकर और फिर वो पाप करेगा ताकि किसी को पता ना चले, हाँ किसी को पता ना चले कि आखिर में एक्चुअल में है हूँ कौन। दुनिया के सामने तो एक सफेद चोला हम लोगों के सामने तो दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या पड़ा है, अंदर में क्या बैठा है, वो हमसे ज्यादा कौन जान सकता है। तभी तो मेरे संसारी पिता श्री अशोक भाई जो जीव दया प्रेमी थे, पूना में आज उनका नाम था, पूरे पूना में महाराष्ट्र में उन्होंने लाखों जीवों को बचाया। कभी कभी वो हम छोटे थे ना, और वो कई बार पूजा करते जाते आते वो एक बहुत अच्छी 4 कड़ियां गाते थे, आज भी मुझे वो याद रह गई है कि डगले डगले दंभ करूं मने दुनिया माने धर्मात्मा, हूं डगले डगले दंभ करूं मने दुनिया माने धर्मात्मा, पन शू भरू आ मनडा मा एक वार जुओ ने परमात्मा, हूं स्वांग धरू छु साधु नु, हूं स्वांग धरू छु धर्मी नु, अने वंदन सहुना पावु छु, अने पंच रंगी पीछा पहरी ने मारी साची जात छुपावु छु, मारी साची जात छुपावु छु, मैं छुपा रहा हूं, मैं असल में कौन हूं। बाहर के लोग, बाहर की दुनिया में भले मेरा नाम है, लोग मुझे किस नजर से देखते हैं, ओह ये इतने बड़े महाराज, ओह ये इतना बड़ा ये सुश्रावक, लेकिन आखिर में मैं कौन हूं ना, मैं अपने आप को मैं ही जान सकता हूं। क्योंकि आपको तो सिर्फ मेरा बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, बाकी अंदर से मैं कैसा हूं ये सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवान ज्ञानी भगवंत और मैं हम ही जानते हैं। हर एक इंसान के लिए स्थिति है, दुनिया के लिए हम कुछ और है और बाकी अंदर की दुनिया में हम कुछ और है। दुनिया के लिए भले हम राम जैसे लग, लेकिन अंदर से हम रावण जैसे हैं। दुनिया के लिए भले हम आज कृष्ण, लेकिन अंदर से हम कंस हैं। दुनिया के लिए भले हम गौतम जैसे लग रहे, लेकिन अंदर से हम गोशाला जैसे हैं। दुनिया के लिए भले हम सज्जन, लेकिन अंदर से हम दुर्जन हैं। दुनिया के लिए भले हम गुलाब है, लेकिन अंदर से हम कांटे हैं। दुनिया के लिए भले हम एक दीपक है, लेकिन अंदर से हम ज्वाला है, ज्वाला ज्योति नहीं लेकिन ज्वाला है। कुछ अलग ही हमारा अंदर की दुनिया कुछ अलग ही है, और वो किसी को पता न चले इसका टेंशन भी हमको होता है।
पाप तो करना ही है, लेकिन वो पाप कोई जान न जाए, किसी को पता न चले, इस तरह से प्रच्छन्न रूप से छुपा छुपा कर गुप्त रूप से हम सब पाप कर रहे हैं। और इसीलिए तो आचार्य भगवान कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराजा परमात्मा की स्तवना करते करते भगवान के सामने कन्फेशन कर रहे हैं और भगवान को कहते हैं, धिक में प्रच्छन्न पापताम, भगवान मेरे उन सभी प्रच्छन्न पापों को धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो, कि मैं उन सभी पापों को धिक्कारता हूं जो मैंने प्रच्छन्न रूप से किए है। मैंने वो सभी पाप प्रत्यक्ष रूप से किए हैं, मैंने वो पाप दिन में किए, दोपहर में किए, शाम को किए, रात में किए, मैंने वो पाप मैंने अकेले में किए, अकेले ने किए, हमने ग्रुप में साथ में मिलकर किए, मैंने वो सभी पाप मैंने जानबूझकर भी किए और अनजान में भी मैंने किए हैं, मैंने वो सभी पाप मैंने छोटे पाप भी किए और बड़े बड़े पाप भी मैंने किए हैं, 12 व्रत संबंधी, 5 महाव्रत संबंधी मैंने हर प्रकार के पापों का सेवन किया है, और इसीलिए भगवान मैं आपसे विनंती करता हूं मुझे इन पापों से बचाओ, कि मैंने इतने इतने अगणित और अनंत पाप किए हैं, मुझे इन पापों से मेरी आत्मा को बचाना है, सच में मुझे परिवर्तन चाहिए, लेकिन मैं अकेला यह परिवर्तन नहीं ला सकता हूं, क्योंकि मुझे वो आकर्षण है, इंद्रियों के सुखों का आकर्षण है, मुझे पुद्गल के सुखों का आकर्षण है, और इसीलिए उन सुखों को पाने के लिए मैं बार बार मेरा मन खींचता है पाप की ओर, मैं धर्म तो करता हूं लेकिन मेरा धर्म तो बिंदु जितना है लेकिन पाप सिंधु जितना है, और सिंधु जितना पाप करते हैं, समुन्दर जितना पाप करते हैं, और हम आशा और हमारा पुण्य और हमारा धर्म जब बिंदु जितना है, और आशा क्या रखते हम लोग कि नहीं मुझे जल्द से जल्द मुझे केवल्यान हो जाए, मैं जल्द से जल्द मैं भगवान बन जाऊं। एक तरफ देखो भगवान के मंदिर में जाकर हम भगवान को भी हम है ना फंसा रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान को भी फंसा रहे हैं। भगवान के मंदिर में जाकर कहते हैं, प्रभु तारु गीत मारे गावु छे, पछी चोपाटी फरवा जावु छे, अने रात्रे भेड़ पूरी खावी छे, थिएटर मा पिक्चर जोवा जावु छे, दुनिया ना ढगला बंद पाप मारे करवा छे, प्रभु तारा जेवु मारे थावु छे। क्या बात है, क्या बात है। लाभार्थी परिवार श्री चिमण लाल माणिक चंद वाडावाला परिवार शिरूर, शांति भाई, प्रवीण भाई, अशोक भाई, जितेंद्र भाई, डॉक्टर राजकुमार भाई, तेजपाल भाई, डॉक्टर दिनेश भाई, हितेश भाई, डॉक्टर कल्पेश भाई, अमित भाई एवं समस्त वाडावाला परिवार पुणे, पिंटू भाई, विशाल भाई, डॉक्टर कल्पेश भाई, डॉक्टर धर्मेश भाई, डॉक्टर सचिन भाई, डॉक्टर चिराग भाई, दर्शित भाई एवं समस्त परिवार, बार्शी, बारामती नगर, पुणे, सौभाग्यवती मणिबेन दयालाल जी विनायकिया परिवार, डीसा निवासी, हाल पुणे, सौभाग्यवती सुनंदा बेन केशवलाल जी जीरावला परिवार, गढ़ शिवाना निवासी, हाल पुणे, फर्म राज ऑटो स्पेयर पुणे, जीरावला प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे, हीरालाल जी कुंदनमल जी जैन परिवार, पोसालिया निवासी, हाल पुणे,